हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सिस्मिक मेथड के बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस हम लोग किए थे। इसमें चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिस्मिक मेथड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कभी कभी ये आपका जो है आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम सिस्मिक मेथड के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इसमें भी क्या है, हम कुछ इक्विपमेंट या डिवाइसेस के हेल्प के थ्रू सिस्मिक वेव्स को जनरेट करेंगे। उस वेव को हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के नीचे ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट करने के बाद जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड वेव्स उनके थ्रू आएंगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस मेथड की बात करें, जैसे आपका ग्रेविटी मेथड हो जाए, चाहे मैग्नेटिक मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, और उसके अंदर जो आने वाले ये सभी मेथड्स हैं, जैसे सेल्फ पोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड एंड रेजिस्टिविटी मेथड, तो इन सभी मेथड्स में कुछ न कुछ हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस, एक्सटर्नल एनर्जी, इन सब का हमने जो है हेल्प लिया था। सिस्मिक मेथड में हम लोग एक्चुअली दो प्रकार के मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला आपका रिफ्लेक्शन मेथड एंड सेकंड आपका रिफ्रैक्शन मेथड। इनके बारे में अगर हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। तो आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं इसी वीडियो में। ये ग्रेविटी मेथड वगैरह सब हो गया था आपका। प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ये इन शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन है। अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह आता है तो आप इस पॉइंट को जो है पुट कर सकते हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आगे के जो स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे या बातें करेंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आगे जो है आपको समझने के लिए कुछ एनिमेटेड फिगर्स जो है या एनिमेटेड वीडियोस के बारे में जो है इंक्लूड किया गया है इसमें। तो सिस्मिक मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिस्मिक मेथड में क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, या फिर जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सबका अपना अपना क्या है, एक मास है, उनकी डेंसिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, हमारा जो वेव है, वेव का ट्रांसमिशन में क्या है, वेरिएशन शो करता है। बस उसी वेरिएशंस को हम जो है यहाँ पे जो रिकॉर्डर है, जो रिसीवर है, उसको हम जियोफोन कहेंगे। अभी आगे उसके बारे में भी है विद फिगर, आपको हम दिखाएंगे कि जियोफोन एक्चुअली में होता क्या है। तो सिस्मिक मेथड के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़िए क्या कह रहा है। A geophysical prospecting method based on the fact that the speed of transmission of shock wave through the earth vary with the elastic constant and the density of the rocks through which the waves pass. Seismic method, जाहिर सी बात है पहले नाम पे जाइए, नाम में जो है सिस्मिक वर्ड है। और सिस्मिक में आप जानते होंगे कि हम किसी भी अर्थ का लोकेशन ले लीजिए, या फिर अर्थ को लीजिए, या फिर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एज्यूम करिए, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, उसमें कोई वाइब्रेशन है ड्यू टू एनी रीजन, या फिर आपका टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो जाए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर आपका जो डे टू डे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन जो है रॉक
में हो रहा है, ये भी आपके कारण हो सकते हैं। तो ड्यू टू एनी रीजन अगर ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये वाइब्रेशन कहाँ से है, ऑकरेंस क्लासिफिकेशंस, कितने इंटेंसिटी का है, कितना मैग्नीट्यूड है, कौन सी जोन्स मिलाई करता है, तो इन सब के बारे में स्टडी हम करते हैं। तो इन सब के एक्यूमुलेटेड पार्ट को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और सिस्मिक भी इसी से रिलेट करता है। चूंकि सिस्मिक मेथड है तो सिस्मिक मेथड में जाहिर सी बात है हम कुछ वेव को ट्रांसमिट करेंगे अर्थ के नीचे, और आप ये भी जानते हैं कि अर्थ के नीचे जो भी पाए जाने वाले आपके चाहे आपके जो वैल्यूएबल रॉक्स हो गए हैं जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेस कोल ऑयल क्रूड ऑयल एक्सेट्रा जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इवन आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्स, इन सब का क्या है, एक मास है, एक सर्टेन मास है, और सर्टेन मास होने के साथ साथ इनका एक पर्टिकुलर डेंसिटी भी है। तो अगर हम कोई भी वाइब्रेशन या शॉक वेव वहां पे हम जो है सेंड करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं तो उनसे रिफ्लेक्ट होके आने वाली जो वेव्स हैं, जैसे कि अगर ग्रेनाइट पे अगर हम कोई वेव्स ट्रांसमिट करते हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास जाएगा तो उसमें कुछ अलग वेरिएशन होगा। वहीं अगर हम उसी शॉक वेव को किसी नेचुरल रिसोर्स पे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्रूड ऑयल है, वहां पे अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसका जो है आपका जो वेव का ट्रांसमिशन है कुछ अलग होगा। वहीं जियोथर्मल कोई एनर्जी रिसोर्स है, वहां पे अगर हम वेव को ट्रांसमिट करते हैं तो वहां से रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड जो भी आपके शॉक वेव हैं उनमें कुछ अलग वेरिएशन होगा। तो जो साइंटिस्ट हैं या जो ऑब्जर्वर हैं इन डिफरेंट शॉक वेव्स जो वो रिसीव कर रहे हैं थ्रू द जियोफोन्स, उनके रिकॉर्ड करते हैं, डाटा मैपिंग करते हैं, देन 3D मैप को हम बनाते हैं। 3D मैप बनाने से क्या है, कुछ न कुछ पॉइंट का यहाँ पे जो है आपका प्रिडिक्शन होगा कि जो पर्टिकुलर आपका लोकेशन है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे कितने डेप्थ पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस या फिर स्टोन्स या एनीथिंग ETC एवरीथिंग या नेचुरल रिसोर्सेस या फिर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ऑयल गैस कोल ये कितने डेप्थ पे पाए जा रहे हैं इसके बारे में हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट को आगे पढ़िए, ए सिस्मिक वेव इज इनिशियली बाय फायरिंग एन एक्सप्लोसिव चार्ज। देखिए अब एक्सप्लोसिव चार्ज की बात कर रहा है तो आगे जो है नेक्स्ट डिस्कशन है कि भाई आपका जो है एक टम्पर व्हील होता है जिसके थ्रू हम जो है वाइब्रेशन देंगे, मतलब टम्पर व्हील मीन्स हम ग्राउंड पे कुछ हाई इम्पैक्ट में लोड अप्लाई करेंगे कुछ वेरिएशन के साथ, तो जो लोड हम अप्लाई करेंगे वो ग्राउंड के नीचे ट्रांसमिट होगा। देन नेक्स्ट मेथड है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन करने का भी है तो डीप बोर होल करते हैं और उस बोर होल के अंदर जो है हम एक्सप्लोसिव इंट्रोड्यूस करते हैं या पुट कर देते हैं, तो एक्सप्लोसिव जब एक्सप्लोड होगा तो जो वेव्स जनरेट होंगी वेव्स क्या है ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होकर जब रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो सिस्मिक वेव इज इनिशिएटेड बाय फायरिंग एन एक्सप्लोसिव चार्ज, तो ये एक अलग मेथड है, ठीक है, और बाय इक्विवेलेंट आर्टिफिशियल सोर्स एट ए नोन पॉइंट दी शॉर्ट पॉइंट। आगे जो है फिगर के थ्रू आप समझ लीजिएगा, ठीक है, आगे पढ़िए। रिकॉर्ड्स आर मेड ऑफ द ट्रेवल टाइम्स टेकन फॉर सिलेक्टेड सिस्मिक वेव्स टू अराइव एट सेंसिटिव रिकॉर्डर कॉल्ड जियोफोन्स फुल स्टॉप। देयर आर टू मेन सब डिविजन ऑफ सिस्मिक ऑपरेशंस। फर्स्ट वन क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड एंड द रिफ्रेक्शन मेथड।
इसके बारे में अभी हम फिगर के थ्रू बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन मेथड किसे कह रहे हैं और रिफ्रैक्शन मेथड किसे कह रहे हैं। नेक्स्ट, दिस सिस्मिक मेथड हैज बीन अप्लाइड टू ए लेसर एक्सटेंट टू इलुसाइटेड माइनिंग प्रॉब्लम्स पार्शली ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। इट हैज बीन यूज टू इन्वेस्टिगेट द बेस ऑफ ड्रिफ्ट डिपॉजिट्स एंड ड्रिफ्ट फील्ड चैनल्स हैव बीन सक्सेसफुली आउटलाइंड। इस स्टेटमेंट को आप इस साइट के थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन मेथड, रिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन मेथड में क्या है, देखिए, ये आपका सिस्मिक सोर्स जनरेट करने वाला इक्विपमेंट है या डिवाइस है। करना क्या है, अभी इसी चीज को हम एक वीडियो के थ्रू जो है, एनिमेटेड वीडियो के थ्रू जो है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है कि जो सिस्मिक सोर्स है, ये आपका, देखिए व्हील लगा है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है, एक बहुत ही हैवी ट्रक में जो है आपका लोडेड होता है, ठीक। यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूस, हम कह लीजिए कि जैसे हैमरिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस बहुत ही हैवी मास का लोड जो है इस ग्राउंड पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ग्राउंड पे हम इंपैक्ट करेंगे तो वेव जनरेट होंगे, वही वेव क्या है, यहां पे देखिए ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अब वेव देखिए, वेव कई लेयर को पास करते हुए जा रहा है। पहला आपका लेयर क्या है, वेदरिंग लेयर। वेदरिंग लेयर को आप कह सकते हैं कि यंगर लेयर है, ये रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है, ये लेयर क्या है, रिसेंटली डिपॉजिट हुआ है। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन होरिजन फर्स्ट, रिफ्लेक्शन होरिजन टू, मीन्स ये लेयर्स हैं, ये सब लेयर्स हैं, ठीक है, ये सब लेयर्स हैं कि 1, 2, 3 लेयर्स में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस या फिर आपके जो है कहाँ पे ग्राउंड वाटर है, कहाँ पे कोल पाए जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे क्रूड ऑयल है, कहाँ पे जियोथर्मल सोर्सेस हैं। तो ये हर एक लेयर में क्या है आपके, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वेव क्या है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, वेव ट्रांसमिट हो रहा है। वेव ट्रांसमिट होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसमिट किए, देन अगर जिस प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है वहां से ये वेव क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्टेड वेव्स को, शॉक वेव को हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पे रिकॉर्डर वेन है और इससे एसोसिएटेड क्या आपका, जियोफोन्स। जियोफोन्स के बारे में अभी आपको दिखा देंगे फिगर कि किस प्रकार का जियोफोन होता है। तो इस ग्राउंड पे कुछ कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस पे जो है उन जियोफोन्स को यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इनको जो है सर्किट के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। जो भी आपका, जैसा भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, जो भी उसका डेंसिटी होगा, जिसका जैसा उसका मास होगा, उस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे वेव जो है ट्रांसमिट होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी नेचुरल रिसोर्स का डेंसिटी बहुत हाई है, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मीन्स अगर उसमें पोर्स बहुत कम है, मिनिमम पोर्स हैं, तो शॉक वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो शॉक को जो है कुछ आपके ईरर के साथ या कुछ एनर्जी लॉस के बाद जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। मतलब अगर 100% कोई वेव आपके पास आ रहा है, उस रॉक के पास इम्परवियस रॉक है, और 100% शॉक वेव वो रिसीव किया, 95-98% वो जो है ट्रांसमिट कर देगा शॉक वेव को। अगर वही शॉक वेव किसी पोरस मटेरियल से टकराता है, हाईली पोरस मान लीजिए, तो क्या करेगा, 100% अगर आप उसके, अगर वो ट्रांसमिट, सॉरी 100% अगर शॉक वेव को वो रिसीव कर रहा है, तो लगभग 60% 50% या इवन 70% तक वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या 30-40% वो लॉस कर देगा। तो कुछ लॉस अमाउंट, यानी मान लीजिए 40% लॉस कर दिया, तो 70% 30% जो भी उसके पास जियोफोन के पास पहुंचेगा, तो उससे क्या है, ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई कर लेगा कि
सौ फीट के बाद, या आपके कह लीजिए कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के बाद डेप्थ के नीचे कौन कौन से जो है आपके जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्शन मेथड। तो रिफ्लेक्शन मेथड में सोर्स क्या करेगा, सोर्स से क्या करते हैं हम, इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं, लोड। ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो है लोड रहेगा, ठीक है, हैवी मास है, और उसको हम कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हैमरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड में क्या है, तो रिफ्लेक्शन मेथड में क्या है, देखिए हम यूज कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स में क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लोसिव हम यूज करते हैं, यहाँ पे डक करेंगे। ठीक है, डिक करने के बाद यहाँ पे कुछ हम एक्सप्लोसिव पुट कर देंगे। एक्सप्लोसिव जब एक्सप्लोइट करेगा तो वेव जनरेट होंगी। ठीक है, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार रिफ्लेक्शन मेथड में था, आपका जो है जो भी शॉक वेव आ रही है वो रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है। ठीक है, वो ट्रांसमिट हो रही है जियोफोन के थ्रू। तो यहाँ जो डिटेक्टर है, यहाँ पे हम जियोफोन से यूज करेंगे। तो जिस लेयर पे जैसे भी ये रॉक यहाँ पे ट्रांसमिट होकर पहुंचेगा, यहाँ से हम डिटेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन मेथड। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको हम जो है अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, सिस्मिक या इलास्टिक वेव्स ट्रेवल थ्रू सब सरफेस मटेरियल दैट इज सॉयल एंड रॉक एट डिफरेंट वेलोसिटीज। सेकेंड पॉइंट, देयर प्रोपेगेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सर्टेन कंबिनेशन ऑफ डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजंस रेशियो ऑफ जियोलॉजिक बॉडीज। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दे सफर एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंपेरेबल टू ऑप्टिकल फिनोमिना एंड कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द टाइम टेकन बाई दी सिस्मिक वेव्स सेट अप बाई एन एक्सप्लोजन एट दी सरफेस टू ट्रेवल डायरेक्टली और आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट सब सरफेस डिसकॉन्टिन्यूटीज एंड डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ बेडरॉक। तो जो दोनों मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, यानी रिफ्रैक्शन मेथड एंड रिफ्लेक्शन मेथड, दोनों में हम डेप्थ के साथ साथ कौन कौन से मिनरल्स हैं ये सब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली देर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड एंड सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। तो एक दो लाइन का आपका जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या है। रिफ्लेक्शन मेथड इज सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग फॉर्मेशन बाउंड्रीज एट ग्रेट डेप्थ ऑफ सेवेरल थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स एज नीडेड फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन। रिफ्रैक्शन मेथड ऑन द अदर हैंड इज रेडली अप्लाइड टू शैलो डेप्थ इंजीनियरिंग, जियोलॉजिक दैट इज सिविल इंजीनियरिंग साइट इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए ये पॉइंट ध्यान से पढ़िए, रिफ्लेक्शन मेथड हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जहां पे आपको नेचुरल रिसोर्स चाहिए, मतलब ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस आप जानते होंगे कि कईयों किलोमीटर नीचे, अर्थ के कईयों किलोमीटर नीचे जो है आपका ऑयल एंड गैस पाया जाता है, वहां पे रिफ्लेक्शन मेथड जो है बहुत ही मोस्ट सुटेबल है। और अगर आपका कोई सिविल इंजीनियरिंग से प्रोजेक्ट है, मतलब हाई राइज बिल्डिंग, माना आपका G+100 या फिर मोर देन G+100 आपका कोई बिल्डिंग है, तो उस केस में आपका जो है आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आइडेंटिफाई करेंगे भी भाई, जो आपका जो लोकेशन है, जो साइट आपका है, उसका ज्योलॉजिकल कंडीशन आप जानिए कि जो हमारा साइट है उसका सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो पोरस है, नॉन पोरस है, या फिर कुछ उसमें
बहुत ज्यादा मात्रा में कह लीजिए कि कैविटीज हैं, या तो अगर वहां पे कोई रॉक है, इट्स वेरी गुड, अगर रॉक वगैरह लेयर पाए जा रहे हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो है ग्राउटिंग वगैरह का जो है जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगा। और वहीं अगर उसमें कैविटीज बहुत ज्यादा हैं, सॉयल आपका पोरस है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉयल को कॉम्पैक्ट करिए, जो कि संभव नहीं है, बहुत ही लार्ज एरिया है तो कॉम्पैक्शन संभव नहीं है। उस केस में क्या करेंगे भाई, हम ग्राउटिंग करते हैं, जो कंक्रीट है कंक्रीट को पंप करते हैं, आर्टिफिशियली पंप करके जो भी कैविटीज हैं जो भी पोर्स हैं उसको हम फिल करते हैं, ताकि जो आपका साइट का जो सॉयल है वो फर्दर जब उस पर ओवर बर्डन पड़ेगा, यानी जो आपका बिल्डिंग का लोड है जब उस पर कॉन्टिन्यूसली अप्लाई होगा तो कॉम्पैक्शन ना हो, कॉम्पैक्शन होगा तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई आपका बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, बिल्डिंग टिल्ट कर जाए, फाउंडेशन फेल हो जाए, तो ह्यूज क्वांटिटी में आपका जो है मटेरियल का लॉस होगा। मटेरियल तो छोड़िए, कोई बात नहीं, आपका जो है मनी काफी नुकसान होगा, लाइफ्स इसमें बहुत से जो है सफर कर जाएंगे। तो अगर कोई भी मेजर आपका सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है तो उस केस में जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों मेथड में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन मेथड पर्टिकुलर वहां भी यूज कर रहे हैं जहां पे आपको जो है जमीन के बहुत ही नीचे 150 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर के नीचे कोई आपको नेचुरल रिसोर्स आपको फाइंड आउट करना है, उस केस में रिफ्लेक्शन मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड। अदरवाइज अगर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो भी आपको हम यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो या तो आपका बी एस सत्यनारायण स्वामी जी से है बुक, मतलब बी एस सत्यनारायण जी का जो है बुक है वहाँ से जो है हम पुटअप किए हैं, या तो सैफुल इस्लाम जी का बुक है वहाँ से हमने जो है कंटेंट को जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, तो आप बुक के थ्रू भी आप देख सकते हैं, इन सभी पॉइंट को आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फर्दर इसको स्टडी करते हैं। दिस मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मिंट्रॉप इन 1910 एंड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड वन और मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज डेप्थ टू बेड रॉक HRL एंड और थिकनेस अंडरग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवल टाइम ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो ये देखिए जियोफोन ये है, जिस जियोफोन की हम जो है डिस्कस किए थे कि ये रिसीव करता है शॉक वेव को, रिसीव करता है, तो यही होता है जियोफोन, देख लीजिए यह जियोफोन। तो सिस्मिक मेथड में हमको कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट है, कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में जो है हम रीड करते हैं। देखिए द सैलो रिफ्रैक्शन सिस्मिक इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन क्या कह रहा है, थ्री और फोर सॉरी 3 to 12 वाइब्रेशन डिटेक्टर्स, दैट इज कह लीजिए कि जियोफोन्स, सिस्मोमीटर्स भी से कहते हैं। ए टिपिकल जियोफोन कंसिस्ट ऑफ ए हैवी मास सुटेबली माउंटेड बाई ए नॉन रिजिड सस्पेंशन इन ए सिलेंड्रिकल केस। नेक्स्ट द इनर्शिया ऑफ द मास टेंड टू कीप इट एट रेस्ट वाइल द केस मूव्स विथ वाइब्रेशंस इन कॉन्टैक्ट विथ द डिस्टर्ब्ड ग्राउंड, दस द जियोफोन मेजर्स इट्स ओन मूवमेंट रिलेटिव टू दैट ऑफ द मास।
also incorporated in some a clockwork mechanism to produce a continuous photographic record of movement. Second point क्या कह रहा है? A battery operated amplifier unit with several independent amplifier of each geophone detector. तो देखा आपने कि जो जियोफोन है, जियोफोन का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो भी शॉक वेव ये रिसीव करेगा वो कॉन्टिन्यूस आपका फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट यानी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इन सभी डेटा को रिकॉर्ड करेंगे. उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो है हम 3D मॉडलिंग तैयार करेंगे कि एक्चुअल में आपका अर्थ का सरफेस कैसा है, कितने डेप्थ पे कौन कौन से मिनरल्स, रॉक्स, नेचुरल रिसोर्सेस, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस, इसके बारे में आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. ये आपका स्केमेटिक डायग्राम है कि एक्चुअल में जियोफोन का वर्किंग कैसे होता है. तो देखिए, जियोफोन पे जो नीचे आपके पास जो लिख रहा, ये दिख रहा है, ये रिसीवर, रिसीवर क्या है आपका, सार पेजेज है, नुकीला है. ये क्यों बनाया गया ऐसा? ताकि इसको हम इजीली ग्राउंड के नीचे डिग कर सकें, पेनेट्रेट कर सकें. अब इसके अंदर जो है बनावट देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार है. इसमें मैग्नेट, मैग्नेट के साथ जो है आपका ये कॉपर का वायर जो है रैप्ड है. तो आप, ये एक बेसिक थिंग है कि अगर कोई मैग्नेट कॉपर वायर से रैप्ड है तो जब मैग्नेट मूव करेगा, मैग्नेट जब मूव करेगा तो एक कलर की स्मॉल क्वांटिटी में आपका इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो अब देखिए जैसे वाइब्रेशन ये रिसीव करेगा, ठीक है, जो आपका ये नुकीला पार्ट जो है जियोफोन का, ये जैसे वेव्स को रिसीव करेगा ये मैग्नेट अप्स एंड डाउन मूव करने लगेगा. ठीक है, इसका मूवमेंट होने लगा अप्स एंड डाउन, ऊपर के नीचे ये मूव करने लगेगा. तो जैसे इसका मूवमेंट होगा, चूंकि कॉइल रैप है तो रैप्ड कॉइल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. अगर मूवमेंट कम है तो कम अमाउंट में करेगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो बहुत, थोड़ा ज्यादा जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेगा. तो करंट के वेरिएशन से जो डेटा वहां पे बनेगा, इसके वेरिएशन से सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी जो ऑब्जर्वर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इनके जो इलेक्ट्रिकल करंट का जिस प्रकार का वेरिएशन होगा, देखिए यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉटेड है, वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ प्लॉट होगा, ग्राफ के थ्रू उसको 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट करेंगे, देन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सा फीचर, जियोलॉजिकल फीचर कैसे कैसे जो है कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, अभी देखिए इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए. ए मल्टी चैनल ऑसिलोग्राफ एंड एक्सप्लोडर चार्ज दैट इज डायनामाइट, इंसुलेटेड केबल, ए पोर्टेबल प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्पेयर. प्रोसीजर देखिए कैसे है, ए होल अबाउट 1.5 टू 2 मीटर डीप कॉल्ड द शॉर्ट होल इज बोर्ड इन द ग्राउंड एट द साइट एंड अबाउट ए केजी ऑफ स्पेशली कंपाउंडेड एक्सप्लोसिव डायनामाइट इज प्लेस्ड इन. देख केजी ऑफ स्पेशली लिखे ना, केजी सिंपल केजी इसलिए लिखा है कि ये अकॉर्डिंग टू साइट, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, ये जो है क्वांटिटी वेरी करेगा. यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि 1 kg जो है आप पुट कर दीजिए इससे पता चला, ऐसा नहीं है. वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू आपका
कह लीजिए कि अगर मान लीजिए ग्रेनाइट वगैरह है यानी इग्नियस रॉक है, तो वहाँ पे आपको जो एक्सप्लोसिव का मात्रा है वो बढ़ाने पड़ जाएगी। वहीं अगर आपके पास कोई और पोरस मटेरियल, या फिर अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें, तो नेचुरल रिसोर्स यानी आपका क्रूड ऑयल, तो वो आपका जो है बहुत ही डीपली पाया जाता है। तो डीपली पाने मतलब डीपली कोई नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको उसके लोकेशन को एग्जैक्ट फाइंडली करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमको भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे केज लिख दिया गया है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार लोकेशन होगा, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे जो है हम वेरी करा देंगे क्वांटिटी को। नेक्स्ट, द जियोफोन ए आर लेड आउट इन ए सीरीज ऑफ स्मॉल टाइट फिट होल्स इन द ग्राउंड आइदर इन ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड प्रोफाइल शूटिंग और इन आर्क राउंड ऑफ द शॉर्ट होल कॉल्ड आर्क शूटिंग और फैन शूटिंग। ये नीचे फिगर आपको हम दिखा देंगे कि प्रोफाइल शूटिंग और आर्क शूटिंग या फैन शूटिंग जिस प्रकार है, कैसे उसको हम लेट डाउन करेंगे ओवर ए लेवल टेरेन। द स्पेसिंग ऑफ जियोफोन एंड द शॉर्ट हॉल डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ टू बी एक्सप्लोर्ड एंड द डिटेल्स रिक्वायर्ड। द एरिया ओवर विच द एक्सप्लोरेशन इज मेड फ्रॉम ए गिवेन शॉर्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सिस्मिक स्प्रेड। ये इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, ये जियो फोन्स हैं, ये केबल्स हैं, ये उनको मेजर करने के लिए यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स हैं। ये देखिए प्रोफाइल शूटिंग कुछ इस प्रकार का होता है, आर्क और फैन शूटिंग कुछ इस प्रकार से है। तो जियोफोन को कुछ इस प्रकार हम लेट डाउन करेंगे, ये स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट हम लाइन में उसको हम लेट डाउन करते हैं जियोफोन को, तो उसको प्रोफाइल शूटिंग कहेंगे। और उसको अगर हम आर्क शेप में अगर उसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो आर्क शूटिंग या फैन शूटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करिए। द जियोफोन डिटेक्टर्स आर कनेक्टेड बाई लॉन्ग केबल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सभी जियो फोन्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिनको G1, G2, G3, G4, G5 एंड सो ऑन, इन पॉइंट्स के का नाम इनको दिया गया है जियो फोन्स को। और ये जियो फोन्स लॉन्ग वायर से कनेक्टेड हैं, और जहाँ पे आपका ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेशन स्टेशन है, ये सभी उनसे कनेक्टेड हैं। अभी आप इस चीज़ को इजीली समझ लेंगे एक वीडियो के थ्रू, हम वीडियो यहाँ पे अभी आपको हम शो करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम एक्सप्लोजन करेंगे जिसको ये रिकॉर्ड करेगा। देखिए, द जियोफोन डिटेक्टर्स आर कनेक्टेड बाई लॉन्ग केबल टू रिकॉर्ड टू द रिकॉर्डिंग एपरेटस, जनरली ए स्प्रेड ऑफ 5 to 8 times द डेप्थ टू बी एक्सप्लोर्ड विल गिव रिलायबल रिजल्ट। नेक्स्ट, रेडियो और टेलीफोन्स कॉन्टैक्ट आर मेंटेन्ड बिटवीन द ऑपरेटर ऑफ द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द ब्लास्टर हु फायर्स द एक्सप्लोसिव। अब इस मेथड में यहाँ पे हम एक्सप्लोजन करते हैं। एक्सप्लोजन करने का मतलब क्या है कि कुछ डेप्थ पे यहाँ पे हम डिक करेंगे,
देन एक सर्टेन अमाउंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोसिव को पुट करेंगे। एक्सप्लोसिव देखिए, जैसे कि जहाँ भी जब भी एक्सप्लोशन होगा वेव्स जनरेट होगा और वेव्स ट्रेवल करेगा। यहाँ पर देखिए ये वेव्स ट्रेवल करेगा, तो इस वेव के रास्ते में जो जो जियोलॉजिकल फीचर्स पड़ेंगे उन सब के क्या है, वेव्स को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट कर देगा, और ये जियोफोन्स के थ्रू क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द चार्ज इज डिनोटेड एट द शॉर्ट पॉइंट द इलास्टिक वेव्स विथ ए स्फेरिकल वेव्स फ्रंट ट्रेवल आउटवर्ड। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्मिक वेव वेलोसिटी इन द ओवर बर्डन इज 250 मीटर टू 1 एमपीएस एंड 2000 मीटर 5 एमपीएस इन बेडरॉक। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए टू लेयर जियोलॉजिक कन्फर्मेशन ए बेडरॉक ओवरलेड बाय थिक ओवरबर्डन the wave front travel through the unconsolidated overburden at a certain velocity say 300 mps and when reach the surface of the denser bedrock it advances at a higher velocity say 2000 mps meter per second while traveling in all directions in the bedrock it starts a new series of waves according to Huygens principle. These travel from the bedrock surface, that is HRL, back to the ground surface through overburden. The envelope of these is the refracted wave front. Thus those waves that travel straight through overburden only arrive first and are recorded by the detectors close to the shot point. The refracted waves from the bedrock also arrive simultaneously at the surface and are recorded by the detector faster. Farther away all in a matter of a few seconds. Next, by plotting the first arrival times and distance, that is the time elapsed between the explosion and reception of the wave by various geophone detectors, a travel distance graph called a hodograph obtained. Now, the arrival of the refracted waves is indicated by a break in the curve. This intersection point is called the critical point. The slope of the first part of the curve corresponds to the velocity of seismic waves through the upper overburden medium, and the slope of the second part to the velocity through the high speed medium bedrock. Then these two velocities and the abscissa of the break in the hodograph, which is plotted between time and distance. The depth to the refracting surface, that is bedrock,
is calculated from the expression. This is the expression which is used for calculating the depth of the bedrock through the seismic waves. Now, the variables depends on the seismic waves which is transmitted by the equipment and the shock wave which is coming from the refraction or reflected through the solid material or natural resources which is recorded by the geophones. The data from the geophone is recorded by the automatic digital computer system which is installed with the enhanced software which compute, which we can say calculate all the shock wave variations, then plot this 3D model of the ground. The 3D model which actually represent the actual condition of the ground. The site which shows the actual geological condition of the ground, which depth contained how much amount of the minerals, groundwater sources or natural resources. The small expression which used in the seismic method. Now we can discuss the variables. In this expression, B1 represent the velocity of seismic waves in overburden. In the series, we discuss about the V2 which represents the velocity of seismic waves in bedrock. A small x is represent the critical distance. The critical distance of the geophones. Now, the small d is represent the depth of the bedrock. Now, in this expression, the aim to calculate the depth of the bedrock. अब कुछ ये तो इतना हमने पढ़ा, इसके बारे में स्टडी किया. अब कुछ इन्हीं चीजों को, जैसे कि अभी समझ में तो आया नहीं होगा कि एक्चुअली में व्हाट वी कैन डू हियर, तो इसको समझने के लिए हम 2-3 वीडियो, एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब के थ्रू से लाए हैं, यूट्यूब से. तो उसको आप यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं. तो आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू भी आप इसको विजिट कर सकते हैं. इस लिंक के थ्रू आप यूट्यूब से इसको विजिट कर सकते हैं. Planet Earth. If you look closer, you'll see that a whole other world exists beneath the surface of land and sea.
Layer after layer of rock structures go deep into the Earth's crust, mile after mile. And trapped within these structures, along with other liquids and solids, you'll often find deposits of oil and natural gas, the world's two most important sources of energy. These famous fuels are in constant demand because they make the world go round day in and day out. So how do you find something that's completely hidden beneath the Earth's surface? It's a mystery that people in the oil and gas industry are always trying to solve, and for very good reason. Drilling for hydrocarbons is expensive. And before they spend money on equipment and crews, exploration and production companies need a reliable strategy for pinpointing where to drill. Geoscientists have a secret weapon called seismic exploration, and it involves sending acoustic energy, which takes the form of wavelets, into the ground to get a sound picture beneath the surface. It's complicated, so let's start with the analogy of bats. Bats can't see very well, so they send out little waves of sound that bounce off of objects and then go back to their ears. It's called sonar. It gives them what you might call a sound picture of their world. That's a good example of how nature already uses a form of seismic acoustic imaging to locate objects. Doctors also use it for ultrasound imaging. Geoscientists use man-made tools to make the sound wavelets, listen to them, and then record them. When you want to know if oil and gas deposits are in a particular area, geophysical companies bring large trucks that have big vibrators on them. Most of the time, this is what generates the acoustic energy or vibration. They use geophones or very sensitive seismic microphones to hear the reflected sounds, but sometimes they set off small buried charges. They set many geophones on the ground in a line, and they are attached to a recorder inside another truck. The vibrators send thousands of wavelets down into all the different layers of the Earth. Some of the wavelets bounce off of the boundaries between the rocks below the surface and are reflected back to the geophones that are waiting to record them. Each geophone along the cable sends the received wavelets to the recording truck where they're recorded and stored. How do the wavelets reach into the subsurface of the ocean? That's offshore seismic, and it just requires a different device to send out the wavelets and record those that are reflected back. Out at sea, a seismic crew works off a vessel with a specially designed back end, so it's easier to lay floating cables or streamers. And all along the length of the streamers, microphones, called hydrophones, are attached one after another. Several of these hydrophone streamers are pulled behind the vessel at once. Acoustic sources are towed behind the vessel in front of the streamers and release compressed air, which creates the wavelets. These wavelets travel through the water and into the subsurface below, where, just like on land, they bounce off the rock layers and then return to the hydrophones to be recorded. Here's what seismic looks like after it's been recorded. Basically, it's a bunch of squiggles. There are still a few more steps to go before it begins to look like an actual picture of the Earth's interior. Right now, the data is still in its raw form. To get a picture that actually looks like the Earth beneath us, the data has to be processed. It takes a large supercomputing PC cluster to process the seismic data. These computers go through all the traces made by the wavelets and filter out everything we don't need, such as vibrations made by a tractor in a field nearby. Using really amazing computer applications and working on state-of-the-art workstations, geoscientists can see the seismic data translated into a 3D picture. You might be thinking, I don't see any oil and gas there. But believe it or not, geoscientists can look at this processed data with their trained eyes and make an informed decision about whether or not oil and gas deposits are in the geologic structures. Seismic data leads to a high percentage of drilling success with less risk to the environment. And in a world where the demand for oil and gas is increasing faster than the supply, good seismic information will lead to more affordable energy. आप इस वीडियो के थ्रू समझ गए होंगे कि सिस्मिक मेथड को कैसे हम लोग एक्चुअली ग्राउंड पे कैसे करते हैं, साइट पे कैसे करते हैं। तो इस सोर्स के थ्रू आप जो है YouTube से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और वीडियो है, उसको भी आप देखिए। इन सभी वीडियोस को आप YouTube के थ्रू जो है आप देख सकते हैं इजीली।
Seismic imaging, sometimes called reflection seismology, is... Seismic imaging, sometimes called... and is mostly used for coal, oil and gas, and Seismic imaging, sometimes called reflection seismology, is an exploration method that estimates the seismic characteristics of the Earth's subsurface. The technology measures reflected acoustic energy waves and is mostly used for coal, oil and gas, and geothermal exploration. Seismic imaging provides geophysicists and geologists a method of mapping the subsurface structure of rock formations. Geophysicists and geologists interpret the data to map structural features that could potentially contain minerals, hydrocarbons, or hot rock resources. The Earth's upper crust is composed of many layers of rocks and minerals that all have different properties, such as hardness, density, and porosity. The placement and orientation of these layers give clues as to the likelihood of finding mineral, hydrocarbon, or hot rock reserves nested within them. Changes in properties between different rocks can cause reflection and/or refraction of sound waves. Seismic imaging works by sending acoustic energy waves created from a sound source through these layers and then recording how long a reflected sound wave took to be received by a microphone. This data tells geophysicists and geologists where rock properties change, thus helping find oil and gas deposits. Typically, there are two methods for producing the source sound waves. One is by using a vibrosize, and the other is by using an explosive detonation. A vibrosize is also known as a thumper or a shaker unit. It is a large hydraulic ram that is fitted to a special truck. The operator stops the truck at a location where they would like to generate a signal and uses the vibrosize to ram the ground, thus creating a series of source waves. Microphones, called geophones, that have been specially placed in an array around the survey area, pick up the reflected sound waves and record that data to a digital medium for later computer analysis. Sometimes, instead of using a vibrosize, explorers will use an explosive like dynamite to create the source wave. Explosives are placed beneath the earth in shallow drill holes. When the explosives are detonated, an acoustic shock wave travels through the ground and is detected by an array of geophones that have been previously arranged. Because scientists know how long it takes for sound waves to travel through and bounce back from different types of rocks and minerals, careful interpretation of seismic data can give geophysicists and geologists detailed cross-sections and three-dimensional graphics of the subsurface of a surveyed area. This can help them find mineral, hydrocarbon, and hot rock resource deposits. Seismic reflection is a method of exploring the Earth's crust using artificially generated video है जिसको आप देख सकते हैं waves. When we speak, आप जो है इसको देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए. Vocal cords produce vibrations that ripple through the air. When these vibrations meet resistance, they are reflected back as an echo. Bats have mastered this technique of bouncing sound waves off obstacles to enable them to fly in complete darkness. And the same method is used by doctors to look inside the human body without the need for surgery. Seismic analysis essentially generates an ultrasound image of the Earth. Special ships fitted with equipment that produces seismic waves are used to locate oil and gas.
These waves fan out below the surface of the water, penetrating the seabed below, and depending on what they hit, rock, oil, or gas, they are reflected at different speeds back up towards the ship. There, seismometers record the waves and how fast they are traveling. These microphones are evenly spaced along a cable up to 12 kilometers long, which is dragged behind the ship along the surface of the water. On land, vibrations are generated by vibrators mounted on purpose-built vehicles. The data recorded by the seismometers is logged by powerful mobile computers. Using this method, we can explore as deep as 10 kilometers with remarkable accuracy. Geophysicists process and analyze the collected data with the help of computers to generate detailed 3D models of the subsurface. Then they team up with geologists and use these models to locate gas and oil reservoirs. The entire process is very time-consuming. It takes about 1 year to collect the data and complete the analysis, but it's worth it. Seismic reflection helps ensure the safe supply of energy. It is less resource intensive than alternative methods of measurement, and it limits the impact on our environment. तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिस्मिक मेथड के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इस वीडियो में आपका सिस्मिक मीटर पूरा कवर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।